नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 2014-15 के बजट पर। राष्ट्रपति शासन लागू होने के नाते इस बजट पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। राज्यसभा में हुई चर्चा काफ़ी बेहतरीन रही और सांसदों ने जहाँ एक ओर राष्ट्रीय राजधानी को विश्व स्तरीय बनाने के लिए तमाम महत्वपूर्ण सुझाव दिए, वहीं दूसरी ओर कई मसलों पर सरकार की आलोचना भी की। आइए आपको दिखाते हैं वाद विवाद। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी, नाउ द बजट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2014 जनरल डिस्कशन एंड ऑनरेबल मिनिस्टर टू मूव मोशन फॉर द कंसीडरेशन ऑफ दिल्ली अप्रोप्रिएशन बिल 2014। Now, Minister. Mr. Chairman, I beg to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and on account of the consolidated fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2014-15 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. Now, both budget in general discussion and also appropriation bill discussion together. Mr. Naresh Agarwal. दिल्ली का बजट जो आज इस सदन में पेश हुआ, कायदे में दिल्ली की विधानसभा में पेश होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि दलों के आपसी टकराव में, राजनीतिक अपरिपक्वता में आज दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और दिल्ली का बजट हमको इस सदन में पेश करना पड़ा। और मैं, माननीय मंत्री जी, आप खुद दिल्ली के रहने वाले हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, या तो दिल्ली में नई सरकार बने, या आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को निर्देश दीजिए कि वो एक प्रस्ताव महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दे कि दिल्ली विधानसभा भंग की जाती है और दिल्ली की जनता फिर से मैंडेट दे और दिल्ली में एक लोकप्रिय सरकार बननी चाहिए, चाहे किसी दल की बने, जिससे कि दिल्ली के बारे में निर्णय हो सके। माननीय मंत्री जी, मैं विश्व के तमाम देशों की राजधानी में गया, लेकिन जितने निम्न स्तर की सुविधा अपने देश की राजधानी में है, शायद विश्व की किसी भी राजधानी में इतनी निम्न स्तर की सुविधा नहीं होगी। आपके क्या सुविधा थी? रोजाना दिल्ली में बिजली की कमी, ट्रैफिक जाम, बरसात हो जाए तो पूरी दिल्ली जाम, पता नहीं सीवेज को क्या हो जाता है, आबादी दिन पर दिन बढ़ रही, दिल्ली की जमीन की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिल्ली में एक मकान अगर कोई लेना चाहे तो श्रीमंत 5-6 करोड़ रुपए से कम में तो फ्लैट दिल्ली में मिल ही नहीं सकता किसी को रहने के लिए। कोई सुविधा दिल्ली में नहीं। अभी कुछ दिन पहले निर्भया कांड हुआ था, रोजाना दिल्ली का अखबार पढ़ता हूं, कानून व्यवस्था दिल्ली की तार तार होती दिखाई दे रही। आज तो टूरिज्म, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत है, आज विश्व में हम सबसे निचले स्तर में टूरिज्म में इस मारे पहुंच गए कि हमारे पास सुविधा नहीं। हमारे मीडिया ने इस तरह फ्लैश कर दिया हमारे देश के लिए कि अगर कोई बाहरी देश में टूरिज्म पर्पज से आएगा तो उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। आज ही अखबारों में निकला कि दिल्ली में जो चिकन खाते हैं उस चिकन को इतना एंटीबायोटिक खिला दिया जाता है, और यही नहीं, सब्जी वालों की भी। श्रीमन, कभी कभी टीवी पे देखता हूँ रंगी हुई सब्जी, इंजेक्शन से बढ़ी हुई लौकी, तुरई, एक ऐसा नहीं, वेज और नॉन वेज दोनों क्षेत्र में मिलावट की जो हालत है, आज सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड अगर दूध कहीं मिलता तो दिल्ली में मिलता। आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि दिल्ली में मिलावट को आप रोक सकें। विश्व में मिलावट सबसे गंभीर अपराध है। आज आपके जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी क्या हालत है? सबसे ज्यादा बीमार लोग दिल्ली में आ रहे हैं। एम्स में पर डे 1000 पेशेंट आता है, 8000 तो हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, 8000 पेशेंट पर दिन पर डे एक हॉस्पिटल में दिल्ली के आ रहा। श्रीमान, कौन डॉक्टर 8000 पेशेंट देख सकेगा? पेशेंट के रुकने की क्या कोई व्यवस्था है? पेशेंट कहाँ रुके, कहाँ खाए, कैसे रहे, कैसे दवाई मिले? इतनी दूर से आदमी आता है, उसको कोई सुविधा नहीं। आप दिल्ली को क्या न्याय दे रहे हैं? आपने बजट में ये नहीं बताया, सिर्फ बिजली में सब्सिडी दे दी कि हर घर को, आपका बयान आ गया
कि करीब 85% लोगों को बिजली की जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन यह सवाल नहीं है, विश्व की राजधानियां कटौती मुक्त हैं, क्या दिल्ली कटौती मुक्त है? मैं बता सकता हूं दिल्ली के उन घने इलाकों में जहां दो दो दिन बिजली नहीं आती पुरानी दिल्ली में। माननीय मंत्री जी, आखिर बिजली की क्यों दिल्ली में कमी? आपका उत्पादन नहीं पूरा है तो आप उत्पादन बढ़ाइए, नहीं तो आप बाहर से बिजली लीजिए। लेकिन अगर भारत की राजधानी में भी बिजली नहीं होगी, अगर भारत की राजधानी को भी विशेष सुविधा नहीं होगी, तो हमारे कंट्री की इमेज विश्व में क्या होगी? पीने के पानी सीमन एमपीज फ्लैट में एमपीज की कोठियों में भी पीने की पूरी सप्लाई, टैंकर से पानी की सप्लाई एमपीज के कोठियों में हो रही। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के आप फ्लैट को पानी नहीं दे सकते तो पूरे दिल्ली को पानी क्या देंगे? रोड पड़ रहे थे कि यमुना में जल स्तर बढ़ गया, यमुना से पानी रोक दिया गया, या उत्तर प्रदेश से गंगा नहर आई, गंगा नहर में पानी कहीं खराब हो गया, पाइपलाइन टूट गई, दो दिन दिल्ली में पानी नहीं आएगा। इतनी बड़ी राजधानी, इतनी बड़ी आबादी, बिजली आप दे नहीं पा रहे, पानी आप दे नहीं पा रहे, जाम रोज लगा हुआ है। अगर गुड़गांव नोएडा न होता तो शायद दिल्ली के लोग कैसे रहते, क्योंकि नोएडा गुड़गांव ने दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी को रहने का मकान दे दिया। दिल्ली की सरकार हरदम ये कहती रही कि राज्य को कानून व्यवस्था का जिम्मेदारी देना चाहिए, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं। अरविंद केजरीवाल दो दिन अनशन पे, दो कांस्टेबल को हटाने के लिए अनशन पर बैठे, सारे जगह हंसाई हुई थी कि एक मुख्यमंत्री दो सिपाहियों को हटाने के लिए अनशन पर बैठ रहा है। कानून व्यवस्था राज्य का अधिकार है, दिल्ली कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं, दिल्ली एक राज्य है। जब राज्य दिल्ली है तो फिर कानून व्यवस्था भी दिल्ली की सरकार के जिम्मे होना चाहिए, जिससे कि गुण दोष दोनों का वो भागीदार हो सके। मैं तो आपसे ये कहूँगा, एक परिवहन व्यवस्था भी यहाँ की देख, आपने मेट्रो चलाई, चलिए बधाई है, लेकिन जो आबादी उसके हिसाब से मेट्रो बहुत कम है, जो आबादी उसके हिसाब से बसें बहुत कम है, टैक्सी बहुत कम है, थ्री व्हीलर बहुत कम है। एक ऐसा लगता है जैसे बढ़ती हुई आबादी का सारा बोझ दिल्ली के ऊपर आ रहा है, और जिस तरह पड़ोस के राज्य के लोग दिल्ली आके बसते जा रहे हैं, ये तो मैंने पहले कहा कि गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये अगर पड़ोस के ना होते तो शायद दिल्ली उस बोझ को न ढो पाती। आप इस परिवहन व्यवस्था के लिए भी कोई अतिरिक्त पैसा अगर दिल्ली को दे दे, दिल्ली में बसों की अतिरिक्त व्यवस्था करें, तो शायद दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छा होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो रह रहे हैं, उनकी बहुत सी कॉलोनियाँ वैध हुई, बहुत सी अभी अवैध हैं। पिछली सरकार ने जाते जाते, मुझे याद है कमलनाथ जी मंत्री थे शहरी विकास, चुनाव से पहले वो तमाम कॉलोनियाँ वैध कर गए थे, लेकिन बहुत सी छूट भी गई। कुछ लाल फीता लाल डोरा की कहलाती हैं, कुछ हरा डोरा की कहलाती हैं, लेकिन अगर झुग्गी झोपड़ी वाले यहाँ बस गए हैं तो उनको भी अधिकार होना चाहिए, उनको भी नियमित करना चाहिए, जिससे कि वो लोग भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें, और पूरे विश्व में ये संदेश जाए कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी नहीं है, दिल्ली विश्व की राजधानी है। दिल्ली में जो आदमी जाएगा सुरक्षित भी रहेगा, और दिल्ली अपने आप में जो चर्चित है वो दिल्ली दिखाई देगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नरेश अग्रवाल जी। दिल्ली के बजट पर हुई चर्चा के दौरान सांसदों ने जहां एक और मूलभूत सुविधाओं की कमी की बात उठाई, वहीं दूसरी ओर सरकार को कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे वाद विवाद। मंत्री जी ने बिजली का सब्सिडी 260 करोड़ की दिल्ली की जनता को दी, और ये जो सब्सिडी मंत्री जी ने दी है बजाय अप्रैल से देने के, जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होता, अक्टूबर से लागू करी है, यानी 6 महीने तक दिल्ली की जनता को पूरा भार उठाना पड़ेगा, और इस बीच में DRC ने उतना ही पैसा बढ़ा दिया जितनी मंत्री जी ने सब्सिडी दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद, और मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 2014-15 के बजट पर। सांसदों का मानना था कि एक विश्व स्तरीय राजधानी के लिए जो आधारभूत सुविधाओं की जरूरत है वो दिल्ली को अभी मुहैया नहीं हो पाई है, और उसके लिए बहुत अधिक बजट की दरकार है।
नाव श्री माल अच्छा बढ़ परवेश हासमी। माननीय वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में अपना दिल्ली का बजट पेश किया और इस बजट में उन्होंने जो प्रोविजन दिया वो 36,766 करोड़ का दिया, जिसमें नॉन प्लान का 19,066 और प्लान का 17,700 करोड़ है। इससे पहले मैं मंत्री जी का ध्यान ये दिलाना चाहता हूँ, 2013-14 में जब बजट दिल्ली का आया था तो टोटल बजट 37,450 करोड़ का था, जिसमें नॉन प्लान का 21,000 करोड़ था और प्लान का 16,000 करोड़ था और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का 450 करोड़ था। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, फिस्कल डिफिसिट 2012-13 में 2921 करोड़ था, जो कि घट के 2013-14 में 1268 करोड़ रह गया और 731 करोड़ सरप्लस मनी हमारे पास बचा था। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बजाय बजट को बढ़ाने के, उसको एनहांस करने के, ज़्यादा पैसे एलोकेट करने के, दिल्ली के बजट को कम कर दिया, जबकि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है। उपसभापति महोदय, मंत्री जी ने 200 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए एनर्जी का दिया, 200 करोड़ रुपए में तो उस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं कर सकते मंत्री जी, जिस इलाके में इनका घर है, ग्रेटर कैलाश और ये पूरा इलाका। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का है उसको सुधारने के लिए कम से कम 2-3 हज़ार करोड़ रुपए का एलोकेशन इनको करना चाहिए था। इन्होंने, मंत्री जी ने सब्सिडी 260 करोड़ की दिल्ली की जनता को दी, और ये जो सब्सिडी मंत्री जी ने दी है बजाय अप्रैल से देने के, जिससे दिल्ली की जनता को फायदा होता, अक्टूबर से लागू करी है, यानी 6 महीने तक दिल्ली की जनता को पूरा भार उठाना पड़ेगा और इस बीच में DRC ने उतना ही पैसा बढ़ा दिया जितनी मंत्री जी ने सब्सिडी दी थी। पिछली सरकार ने तो 50% कम कर दिया था, उन्होंने कहा था कि 50% बिजली का दाम कम करेंगे, वो चले गए। आपने 30% कह के सब्सिडी दे दी 6 महीने के लिए, उससे दिल्ली की जनता का भला होने वाला नहीं है इस सब्सिडी से। इसके लिए कोई कंक्रीट स्टेप आपको उठाना पड़ेगा और जो आपने ये कमिटमेंट किया था कि 30% अब बिजली का दाम कम करेंगे, तो DRC ने जब पैसा बढ़ाया था आपको उनको रोकना चाहिए था, उसके बाद आप अगर मदद देते। हमने अपने टाइम में प्रगति पावर प्रोजेक्ट लगाया 330 मेगावाट का, बवाना पावर प्रोजेक्ट 750 मेगावाट का लगाया, बवाना पावर प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का लगाया, जिसमें थोड़ी बिजली की पैदावार में जो कमी आ रही है गैस की सप्लाई कम होने की वजह से आ रही है। आपने जो भी बजट दिया उसमें आपने 1 रुपया भी किसी नए पावर प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि नए पावर प्लांट लगाने के लिए मंत्री जी घोषणा करें और एक कम से कम 1000 मेगावाट का पावर प्लांट कहीं ना कहीं ज़रूर लगाया जाए, ताकि जो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं कि बिजली कहाँ से आए, कैसे लें, कैसे दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करें, उससे हमें छुट्टी मिल सके। माननीय उपसभापति महोदय, अभी कुछ दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि बिजली कंपनियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि चोरी बढ़ गई है, चोरी बढ़ गई है, चोरी बढ़ गई है। 6 महीने में चोरी बढ़ गई, 6 महीने पहले चोरी नहीं थी, और उसके बारे में कुछ नहीं कहते जो मीटर इतने तेज भाग रहे हैं कि जो बिल लोगों के पहले 300 रुपए के आते थे वो आज 500-600 रुपए के आने लगे। उसकी जिम्मेदार मैं आज की सरकार को मानता हूं, क्योंकि अगर ये चुनाव करा देते, एक चुनी हुई सरकार ले आते, चाहे किसी भी पार्टी की होती, तो दिल्ली की जनता को इन परेशानियों से मुक्ति मिलती। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि हर साल 1 लाख बच्चों के लिए स्कूल का प्रोविजन होना चाहिए, 1 लाख बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, 500 स्कूल, नए स्कूल हर साल खुलने चाहिए, लेकिन आपने खाली 350 करोड़ रुपये 20 नए स्कूल बनाने के लिए दे दिए। मैं पूछना चाहूँगा मंत्री जी से कि जो 20 स्कूल आप बनाएंगे और 500 स्कूल की बात आप खुद कर रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हर साल जो हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, और उन्हें फिर दाखिला आप कहाँ देंगे? कम से कम 50-60 स्कूल तो दें कि कम से कम कुछ बच्चे तो उसमें एडजस्ट हो सकें। 1998-93 में हमारे पास जो बजट था एजुकेशन का 243 करोड़ था सिर्फ, आपकी सरकार ने रखा था, और हमारी सरकार ने 2013-14 के बजट में 1901 करोड़ रुपया दिया एजुकेशन के लिए। कितना डिफरेंस है आप देखिए। IP यूनिवर्सिटी का ये भी जो 285 करोड़ की आपने बात करी है, हम ऑलरेडी कर चुके थे,
चुनाव से पहले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जिसकी आपने बात की उसको 151 करोड़ रुपया द्वारका में देके दिया। शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज रोहिणी में 132 करोड़ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली सरकार पहले ही 51 एकड़ लैंड दे चुकी, लेकिन आपने इसमें एक नए पैसे का भी प्रोविजन उसको स्टार्ट करने के लिए नहीं दिया, जिसके लिए 51 एकड़ जमीन हम एक्वायर कर चुके हैं, जमीन हमारे पास है, उसको कम से कम बनाने के लिए उसकी शुरुआत करने के लिए कुछ बजट में प्रावधान कर दें। 2014-15 में आपने 2482 करोड़ रुपए एजुकेशन के लिए दिए हैं, जो मेरा मानना यह है कि इसको अगर आप बढ़ा देते, दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गई है, हमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा स्कूल्स की ज़रूरत है। अब मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर बात करना चाहूँगा। वित्त मंत्री महोदय ने 14-15 के बजट में कहा है कि 185 नाइट शेल्टर्स चल रहे हैं और 7 आप नए बनाने के लिए ज़मीन ले लिए, ये 7 भी हमने ली थी, उसको बनाने का काम आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी नरेश अग्रवाल जी ने कहा था कि बाहर से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, ये नाइट शेल्टर्स काफ़ी नहीं है, हमें कम से कम 50-60 नाइट शेल्टर्स और बनाने चाहिए और जितने भी इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के वहाँ और ISBTs पे वहाँ ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वहाँ शेल्टर ले सकें, वहाँ रुक सकें। आपने स्लम टॉयलेट्स के लिए 13-14 में हमने 17 करोड़ रखे थे, बिल्कुल कम थे, आपने इसको बढ़ा के 35 करोड़ किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि 35 करोड़ भी काफ़ी नहीं है, इसको कम से कम आप 60-70 करोड़ कीजिए, और ताकि जितने भी स्लम्स हैं जो कि जहाँ खुले में हमारी माताएँ बहनें जाती हैं उसको हम कवर कर सकें। कांग्रेस टाइम में 58,064 वीकर सेक्शन के हाउसेज हमने बनाने शुरू किए थे, 14,844 वीकर सेक्शन के मकान तैयार हैं, बाकी में कुछ बजट का एलोकेशन आपने नहीं किया, फंड कम पड़ रहा है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन जो बचा हुआ काम हमारे समय का चल रहा था उसको फंड दे के आप पूरा करा दीजिए। टोटल 1218 अनऑथराइज कॉलोनी रेगुलराइज हुई हैं, 895 क्लियर हुई हैं, कुछ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ओजोन का एरिया आ रहा है जिसकी वजह से वो रुकी हुई हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वो जोन की जो कॉलोनीज हैं जो 25-30 लाख लोग जहां रहते हैं उसको भी आप ध्यान दें। हमने अपने 2013-14 के बजट में अनऑथराइज कॉलोनी के लिए 3,000 करोड़ रुपए रखे थे, उसके डेवलपमेंट के लिए, पानी के लिए, सीवर के लिए, सड़क के लिए, डिस्पेंसरीज के लिए, लेकिन आपने 3,000 करोड़ के जगह जहां आपको 4,000-5,000 करोड़ करना चाहिए था वहां आपने खाली 711 करोड़ रखे हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का डेवलपमेंट कैसे होगा, मंत्री जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, 50 अनऑथराइज्ड कॉलोनी को आप पीने का पानी देंगे 1218 कॉलोनी में हर साल, यानी 20 साल आप लेंगे इन कॉलोनीज को पीने का पानी देने के लिए, जिस स्पीड से आपने इसमें जिक्र किया है। 50 कॉलोनी कौन सी होंगी, कहां होंगी, कैसे होंगी, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। आपने ये कहा कि 95 अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर का काम कराऊंगा, जिसके लिए आपने ये 711 करोड़ में प्रोविजन रखा है। 95 कॉलोनीज का मतलब हुआ वित्त मंत्री महोदय कि आपको 12 साल चाहिए इन 1218 कॉलोनी में सीवर की लाइन डालने के लिए, और 711 करोड़ में क्या आप ये सब कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कम से कम सारी कॉलोनीज में इतना तो आप कर सकते हैं, हर लेन पे एक एक बड़ी 5,000-10,000 लीटर की टंकी रखवा दीजिए, वहाँ पानी का कनेक्शन दे दीजिए, तब कम से कम वो साफ पानी पी के सेहतमंद रह सके वो कॉलोनी वाले भी। आपने अपने बजट स्पीच में टोटल प्लान आउटप्ले जो है अर्बन डेवलपमेंट का 2,150 करोड़ रखा है, जो दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनी का 3,000 करोड़ का बजट हमने दिया था खाली, उससे 846 करोड़ कम है। अब मैं पानी की बात करना चाहता हूँ। आपने 500 करोड़ रुपए यूनियन बजट में सबसे पहले दिन दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। 1998-99 दिल्ली में टोटल पानी जो हमें मिलता था 591 MGD, और हमने इसको बढ़ा के 850 MGD किया है 2012-13 तक। और मुनक हैदरपुर कैनाल तैयार नहीं होने की वजह से 80 MGD पानी जो हमें मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, इस पर अगर आप काम कर लेंगे तो दिल्ली की जनता को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। हमने 31 MGD में पल्ला में जो ज़मीन के नीचे से बोर से पानी निकाल के उसको रिफाइन करके
लोगों को सप्लाई करने का काम किया है। ये भी एक अच्छी स्कीम है पानी के लिए, आपको बजाय इसके कि दूसरे के ऊपर डिपेंड करें, अगर इस तरह की स्कीम आप जो कामयाब हुई है ये पल्ला में, अगर आप ये ट्यूबवेल्स वगैरह से उस पानी को रिजर्वायर में डलवा के रिफाइन करा के प्योरीफाई करा के अगर इसे सप्लाई करेंगे तो बहुत, हर कॉलोनी वाइज भी अगर आप इसको करेंगे तो इससे बहुत बड़ी दिल्ली की पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, आज भी दिल्ली में 30-40% पानी जो है वेस्ट हो रहा है, कुछ तो लोग वेस्ट करते हैं। और जब आप देखिए पाइपलाइन फट गई, मुरादनगर से भगीरथी जो पाइपलाइन आ रही है 30 साल पुरानी पाइपलाइन है वो, और उसके वजह से वो बस्ट होती रहती है, उसमें पंक्चर्स ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। आप जब तक इसको नहीं बदलवाएंगे, जब तक इसके लिए आप बजट का प्रोविजन नहीं करेंगे, तब तक दिल्ली की जनता इससे परेशान रहेगी। उपसभापति महोदय, आप यमुना क्या साफ करेंगे? 30-40 लाख लोगों की आबादी का जो भी सीवरेज सिस्टम है सबका आउटलेट यमुना में, जितनी अनऑथराइज कॉलोनी हैदरपुर से लेकर और बदरपुर हरियाणा बॉर्डर तक, सबका आउटलेट यमुना के अंदर है। जब सारा गंदगी यमुना में गिरेगी, सारे बड़े बड़े नाले यमुना में गिरेंगे, हमने 1300 करोड़ से 3 नालों को जोड़ने का काम किया कि उनके पानी को एक जगह ला के उसे रिफाइन करके आगे बढ़ाए, 1300 करोड़ वो काम अभी चल रहा है। हम चाहते हैं ऐसे और आप काम करें, काफ़ी STPs बनाएं यमुना के किनारे, STPs जब तक आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाएंगे, वहाँ उसको ले जाके रिफाइन करके नहीं बूस्ट करेंगे तो सारा का सारा मैला यमुना में जाता रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। जब हम सत्ता में आए थे तो 3131 बसेज हमारे पास थी, उसमें से 80% बसें वो थी जो चलने लायक नहीं थी। 2012-13 में 5800 का फ्लीट हमने खड़ा किया, जिसमें 3781 जो नई लो फ्लोर बसें हम लेके आए, जिसमें एयर कंडीशन बसें भी थी। आपने 1380 के जो टेंडर की बात की है, 1380 बसेज सेमी लो फ्लोर बसेज लेने का जो टेंडर है, ये भी हमारी सरकार करके गई है, जो अब आनी है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से इसको अलॉट नहीं किया गया था, अब ये बसें आनी शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो और DTC में आपने ऑटोमेटेड 4 फेयर कलेक्शन सिस्टम भी मशीन और कार्ड के जरिए एक साथ करने का जो प्रपोजल था, ये भी हमारी सरकार पहले ही करके गई थी, अब वो इम्प्लीमेंट होने वाला है और शुरू होने वाला है। इस पर 90% काम हम लोग कर चुके थे। प्राइवेट ऑपरेटर्स की 400 बसें थी, जो 400 क्लस्टर बसेस जो आपने लाने की बात कही थी, तो 1600 का फ्लीट करेंगे, ये भी हमारी सरकार ऑलरेडी इनसे बात कर चुकी थी। नए ISBT का आपने जिक्र किया, ISBT के पैटर्न पे ये ऑलरेडी हम इस पे काम कर चुके हैं, इसके नक्शे बन चुके हैं और इसको हम करने जा रहे हैं। अब आप इसे करवा देंगे या नई सरकार जो आएगी वो करवाएगी, तो इस हाउस में हमें बताएं कि आप कब चुनाव कराना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को कब लोकप्रिय सरकार देना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। आपने 3702 करोड़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 214-15 के लिए दिया है, इसको मैं चाहता हूं कि आप इसमें बढ़ाएं। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ट्रैफिक लोड को कम करता, NH2 बाईपास जो कालिंदी कुंज से फरीदाबाद को कनेक्ट करेगा, ये जब तक आप नहीं बनवाएंगे तो रिंग रोड का ट्रैफिक कम नहीं होगा। अभी एक लेटर आया UD मिनिस्टर साहब का, जिसमें लिखा है कि हम मेट्रो का किराया 40% कम कर रहे हैं। अब आप लोग मेट्रो से सफर कीजिए, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास गया होगा, और आज तक एक नया पैसा कम नहीं हुआ। मैंने जब मेट्रो वालों से पता किया तो उन्होंने कहा साहब 40% जो कम करने की बात है, ये तो उस रूट की है जो रिलायंस की मेट्रो है, जहां सवारी नहीं मिल रही है, सिर्फ एयरपोर्ट जाने के लिए। तो आपके माध्यम से मैं उपसभापति महोदय इसे ऑन रिकॉर्ड टेबल करना चाहता हूं, ताकि 40% जो कमिटमेंट है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का, या तो इस तरह के गलत कमिटमेंट ना करें, अगर किया है दिल्ली की जनता के साथ तो इसको पूरा करें। दूसरे एक मंत्री जी इनके हैं, उन्होंने जाके कह दिया ट्रांसपोर्ट मंत्री जी ने कि बैटरी रिक्शे वालों का कोई परमिट नहीं, कुछ नहीं, जहां चाहे चलाओ, जितने चाहो लाओ। जिस दिन उन्होंने ऐलान किया, पता नहीं हजारों जो है बैटरी रिक्शा लोगों ने खरीद लिए, गरीब लोगों ने लोन पे ले लिए, कहां से लोन अदा करेंगे? आज से उनके बैटरी रिक्शा बंद हो गए। आज ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है। ये हेल्थ के पे बात करना चाहता हूं, 2013-14 में 24,025 बेड होते थे मंत्री जी, आज की तारीख में दिल्ली के अंदर बेड कैपेसिटी जो है 43,500 है। साउथ दिल्ली में सरता विहार में एक हॉस्पिटल बनना था, इसका भूमि पूजन हो गया था, आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किडनी पेशेंट्स के डायलिसिस सेंटर की बात की है कि और ज़्यादा होने चाहिए, मैं बिल्कुल इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मंत्री जी, आपने हेल्थ के लिए 2724 करोड़ का प्रोविजन रखा है, जबकि 2013-14 में हमने 2490 करोड़ का रखा था। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि आबादी बढ़ गई है, ये 13-14 में इतना था, तो इसको बढ़ा के कम से कम 500-700 करोड़ और बढ़ा दीजिए। मैं सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ पे बात करूँगा। मंत्री जी, आपने 2014-15 में 1862 करोड़ का प्रोविजन इसमें किया है, जबकि 13-14 में 10,359 करोड़ का था। 3,90,000 सीनियर सिटीजन्स को पेंशन मिल रही थी, आपने उसको बांध दिया 4,30,000 पे। हमने बांधा नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि इसको लिमिट मत रखिए, इसको ओपन रखिए जैसे हमारे समय में ओपन था। आपने वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के बारे में कहा कि दो हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आप 6 नहीं, आप 60 खोल सकते हैं। टैक्सेस पे बात करूं, हर चीज इस बजट आने से पहले आपने डीजल, पेट्रोल, गैस, दूध, इलेक्ट्रिसिटी, फल, आटा, शुगर, राइस, वाटर, घी, ऑयल, डेली यूज की सारी चीजें आपने महंगी कर दी। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जी कीमतें आसमान छू रही हैं। अंत में एनवायरनमेंट की बात जब आप करेंगे, तो सबसे बड़ा रोड़ा उसमें अनऑथराइज कॉलोनीज और जो गाँव का सीवर जमुना में जा रहा है, आप उसको जब तक एसटीपी लगा के कंट्रोल नहीं करेंगे, जमुना साफ नहीं होगी, दिल्ली का एनवायरनमेंट साफ नहीं होगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बजट पर हुई चर्चा कई मायनों में काफ़ी सार्थक रही। सांसदों ने जहां एक ओर कम बजट के लिए सरकार की आलोचना की, वहीं बिजली सब्सिडी जैसे मसले पर उसको सराहा भी। कुल मिलाकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक। अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सांसदों ने और क्या कुछ कहा और सरकार का किन मसलों पर ध्यान आकृष्ट किया। झुग्गी झोंपड़ी के अंदर 30 लाख लोग रहते हैं, स्लम के अंदर 10 लाख लोग रहते हैं, पुनर्वास कॉलोनियों के अंदर 15 लाख लोग रहते हैं। 2.5 करोड़ की आबादी में से दिल्ली के अंदर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन नरकीय जीवन बिता रही है, जहां पर पानी नहीं है। टैंकरों से आधी दिल्ली के अंदर टैंकरों से पानी जाता है, आपको मालूम होगा, और टैंकरों के ऊपर माफिया राज आ गया है। वो आपको टैंकर से पानी लेने नहीं देंगे जब तक आप उनसे पानी नहीं लेंगे।